दोस्तों क्या आप भी मेरी तरह बचपन में ऐसे ही सोचते थे कि रोड के किनारे जो माइलस्टोन यानी मील का पत्थर है उनके रंग जो अलग अलग है उनकी वजह है पेंटर के पेंट का खत्म होना, या फिर अलग अलग रोड पे अलग अलग पेंटर काम करते हैं इसलिए अलग अलग रंग से उसको रंग देते हैं, क्योंकि किसी रोड पर वही माइलस्टोन मील का पत्थर येलो कलर का होता है यानी पीले रंग का, कहीं पे रेड कलर यानी लाल रंग का होता है, तो किसी और रोड पे ग्रीन कलर यानी हरे रंग का होता है। मैं बचपन में ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में आरटीओ में जॉब करने वाले एक दो फ्रेंड्स जब मैंने जानकारी ली, जो जानकारी उन्होंने दी मुझे लगा आपसे जरूर साझा करना चाहिए। वैसे मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ठीक निकला, तीन रंग का होता है माइलस्टोन यानी मील का पत्थर जिस पर लिखा होता है कौन सा शहर कितने किलोमीटर दूर है। देखिए दोस्तों, रोड पर जाते हुए अगर किनारे जो मील का पत्थर है यानी जो पत्थर जिस पर किलोमीटर लिखा है डिस्टेंस लिखा हुआ है अगर वो ग्रीन कलर का हो हरे रंग का है तो समझ जाइएगा दोस्तों आप राज्य राजमार्ग पर चल रहे हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में स्टेट हाईवे कहेंगे, स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मिलाता है, और ऐसे हाईवे की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और अगर ऐसे रोड पर चल रहे हो जहाँ की माइलस्टोन के ऊपरी हिस्से का कलर रेड कलर हो तो समझ जाइएगा ये जनपद मार्ग है यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड है, उस पर आप चल रहे हैं, और जनरली ये कम चौड़ा होता है और एक शहर से दूसरे शहर को ये रोड मिलाता है। और कभी ऐसे रोड पर चल रहे हो जो काफी चौड़ा हो और उस पर लगे हुए पत्थर का ऊपरी हिस्सा येलो कलर का हो यानी कि पीले रंग का हो तो समझ जाइएगा दोस्तों आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल हाईवे, आप नेशनल हाईवे पे हैं। नेशनल हाईवे का एक सिरा कहीं ना कहीं जाके नेशनल कैपिटल दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मिलता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। तो दोस्तों जानकारी हुई आज से, कभी भी आप रोड के किनारे लगे मील के पत्थर का रंग देखकर भी समझ सकते हैं कि किस मार्ग पर आप हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।